आज का वरदान हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। ये सृष्टि एक रंग मंच है जहां सर्वात्माएं भिन्न भिन्न देह धारण कर अपना निर्धारित पाठ अदा कर रही है। साक्षी होकर एक दर्शक की तरह प्रत्येक देह में विद्यमान चेतन शक्ति आत्मा को देखे। इस कर्म क्षेत्र पर कोई आत्मा हीरो पाठधारी है, सब काम एक्यूरेट करती है, सबसे प्रेम भाव से बोलती है, तो कोई आत्मा विलन के किरदार में भी है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा भाव से भिन्न भिन्न प्रकार से दुख देने का कार्य कर रही है। कोई साइड एक्टर है तो कोई हंसाने का पार्ट भी अदा कर रहा है। इस वैरायटी सृष्टि में सब कर्म ड्रामा के प्लान अनुसार प्रत्येक आत्मा एक्यूरेट कर रही है। फिर मैं अपने मन की भावनाओं को आत्माओं के कर्म प्रमाण परिवर्तन क्यों करते हो महसूस करें। ड्रामा का ये सत्य ज्ञान मेरे अंतर मन के विभिन्न नकारात्मक भावों को समाप्त कर रहा है। मैं जानती हूं कि सर्वात्माएं अपने अनादि रूप में मूल रूप में अनादि देश में संपूर्ण पवित्र शुद्ध सुख स्वरूप शांत स्वरूप ही है प्रेम।
आनंद, ज्ञान, शक्ति प्रत्येक आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। इसलिए मैं प्रत्येक मनुष्य आत्मा से मिलते उसके बाह्य कर्मों को न देख उसके वर्तमान व्यवहार को न देख उसको मूल रूप में ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखती हूं, जिसमें किसी के प्रति कोई वैर नहीं, कोई नकारात्मक भावना नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। आत्मा रूप से सब भाई भाई, एक पिता की हम संतान नजर आते हैं। महसूस करें मेरा दृष्टिकोण हर दृश्य को देखने की भावना अब अपने पिता परमात्मा के समान शुभ और श्रेष्ठ बन गई है। संपूर्ण वसुधा कुटुंब समान लगती है। जैसे मीठे बाबा ने हमारे अपकार को भी भुलाकर हम पर उपकार किया, वैसे मैं भी अपने परम पिता विश्व कल्याणकारी मीठे बाबा के समान उनको फॉलो करने वाले उन्हीं की संतान हो। अब कैसी भी आत्मा मेरे समक्ष आए, लेकिन मेरी दृष्टि, मेरी भावना प्यार की ही बन गई है। महसूस करें इस सर्व के प्यारे स्वरूप को। अब चाहे कोई भी संबंधी क्या भी कहे, क्या भी करे, पर मेरे मन में सर्व के प्रति शुद्ध, शुभ और कल्याण की ही भावना है। महसूस करें
इस बाप समान ऊंची स्थिति, ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति को ओम शांति।